कुलटी थाने की पुलिस ने जामताड़ा के मिहीजाम पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर अवैध लॉटरी टिकट छापने के कारखाने का पर्दाफाश किया। मिहीजाम थाना क्षेत्र के अमोय मेन रोड पर एक बंद अमन रेस्टोरेंट एंड होटल में ये छापेमारी की गई। इस धंधे में लिप्त 7 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कुलटी थाने की पुलिस ने जामताड़ा के मिहीजाम पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर अवैध लॉटरी टिकट छापने के कारखाने का भंडाफोड़ किया है। ये छापेमारी मिहीजाम थाना क्षेत्र के अमोय मेन रोड पर एक बंद अमन रेस्टोरेंट एंड होटल में की गई है। इस धंधे में लिप्त 7 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें से 5 धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक अनिमेश नथानी ने मिहीजाम थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कुलटी थाना पुलिस से सूचना मिली कि मिहीजाम के अमोय रेलवे अंडरपास के पास डुप्लीकेट लॉटरी टिकट की छपाई व बिक्री की जाती है। इससे करोड़ों का कारोबार किया जा रहा है। टिकट छापने में प्रयुक्त 8 लैपटॉप, 12 डिजिटल प्रिंटर, 5 स्टेपलर, अलग अलग साइज के 1300 बंडल लॉटरी टिकट, 7 बोरा प्रिंट लॉटरी टिकट, 1 हेवी पेपर कटिंग मशीन, 3 कार्टेज, 5 बाइक और 2 प्रिंटिंग मशीन जब्त की गई है। इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद व अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। लॉटरी एक्ट 1998 व 7(3) लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान अमन होटल से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जामताड़ा नारायणपुर घाटी शिमला निवासी 21 वर्षीय कुणाल मंडल, 22 वर्षीय विशाल मंडल, गोविंदपुर के बेलाटाड़ का 21 वर्षीय शिवू गोप, 22 वर्षीय हेमू मलिक, 20 वर्षीय आदित्य मलिक, 21 वर्षीय अन्नत मलिक और 32 वर्षीय आस्तिक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोग धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के सावलापुर के रहने वाले हैं। 29 नवम्बर को एक सूचना प्राप्त हुई DCP वेस्ट आसनसोल के द्वारा वेस्ट बंगाल से कि कुलटी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि मिहीजाम थाना अंतर्गत एक अवैध लॉटरी का एक बिजनेस चल रहा है, जो कि कुणाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा चला जा रहा है। और उस कुणाल नाम का जो व्यक्ति है उसके बारे में सूचना संकलन करने का मेरे द्वारा निर्देश SDPO जामताड़ा और थाना प्रभारी मिहीजाम को दिया गया और एक टीम का गठन किया गया छापेमारी के। सूचना सत्यापन के क्रम में पता चला कि एक होटल है जो बंद पड़ा हुआ है मिहीजाम थाना अंतर्गत, वहीं पे अवैध लॉटरी की छपाई होती है और बंगाल और हर जगह सप्लाई की जाती है। उप सूचना के सत्यापन में SDPO और थाना प्रभारी मिहीजाम को छापेमारी करवाई गई तो पाया गया कि अवैध लॉटरी की एक फैक्ट्री बंद पड़े हुए होटल में चलाई जा रही थी, जहाँ पे जिनमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और प्रिंटिंग का बहुत सारा साजो सामान और अवैध छपे हुए कार्ट्रिजेस और प्रिंटर वगैरह बरामद हुए हैं। जब्ती सूची जो बरामद हुई है उसमें 8 लैपटॉप, 12 पीस प्रिंटर, 5 पीस स्टेबलाइजर अलग अलग साइज़ के, 1300 बंडल लॉटरी के टिकट्स मिले हैं, 7 बोरा प्रिंट किया हुआ लॉटरी के टिकट मिले हैं, हैवी पेपर कटिंग मशीन एक बरामद हुई है और जो कार्ट्रिज हैं वो 30 पीस जो उपयोग किए हुए हैं, जिससे ये लोग लॉटरी की छपाई करते थे और झारखंड और बंगाल में अवैध तरीके से नकली लॉटरी को बेचते थे, वो भी बरामद की गई है। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। नवजात शिशु के संपूर्ण पोषण, वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए रानीगंज शहर के रामबगान डॉक्टर्स कॉलोनी में खुल चुका है शिशु क्लिनिक। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए आपको मिलेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता अग्रवाल से आवश्यक सुझाव और बेहतर चिकित्सा। डॉक्टर श्वेता अग्रवाल की संपूर्ण देखरेख में बच्चों को मिलते हैं नियमित टीके, साथ ही माँ व शिशु के बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ी सटीक जानकारी और चिकित्सा। तो चिंता छोड़े और शिशु क्लिनिक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता अग्रवाल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 7384431222।